हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल है अहोई अष्टमी, हमारे यहाँ पे होती है अहोई अष्टमी की पूजा। और देखिए, हमने अपने लिए एक सूट रेडी किया है। ये देखिए, बड़ा ही प्यारा सूट है। और ये इसकी हमने इसकी पैंट बनाई है। ये देखिए कितनी अच्छे इसकी पैंट है। और अभी ये रेडी हो रहा है, पूरा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मैं कल तक इसको रेडी कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्लिप्स हमने कैसी बनाई हैं, बहुत ही प्यारी स्लिप्स हैं। और जब इसको ये पहना जाएगा ना, तब मैं आपको इसे फिर से दिखाऊंगी। और ये देखिए, इसका वर्क कितना प्यारा है ये। और ऐसे ही इसके नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, ये भी बहुत बहुत ही सुंदर है। ये देख फ्रेंड्स, ये है इसकी चुन्नी। ये सूट मैंने इसीलिए लिया था, मुझे इसका ना दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा था। देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, कितना प्यारा लुक है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए हम गए थे मार्केट, वहाँ से कुछ शॉपिंग करके लाए हैं, क्योंकि अब फेस्टिवल का सीज़न तो आ ही रहा है। कल भी अहोई अष्टमी है, फिर दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भाई दूज वगैरह बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। तो हम कुछ यहाँ पे शेल्फ लेके आए हैं, ये देखिए। और साथ में हम कुछ फ्रूट्स भी लेके आए हैं। ये हैं केले। फ्रेंड्स, हम कच्चे कच्चे से केले इसलिए लेके आए हैं क्योंकि वो है ना, थोड़े पके हुए जो रहते हैं, वो एक दो दिन रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। और अब ये इस तरीके के हैं ना, तो अब हम इन्हें अगर रख भी देंगे आज, जैसे कि आज नहीं खाते हैं कल के लिए, तो ये ख़राब नहीं होंगे। और ये हमने कुछ अनार भी मंगाए हैं, ये रहे देखिएगा दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके की हैं ये शर्ट, कैसी लगी आप सबको, आप भी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। देखिए ये हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी और हमारा सूट कैसा। फ्रेंड्स, ये रखी हमारी सेवई। और मुझे ना देर हो गई थी, इस कारण मैं चूल्हे पर खाना नहीं बना पाई। ये देखिए, इसमें मैं ना इन्हें फ्राई करूँगी। और ये मैं ना लहसुन की कुछ कलियाँ जो हैं वो छील रही हूँ, वो रह गई थी तो अभी लेके आए हैं दुकान से। वो इसमें अभी मैं घिसूँगी अपने कद्दूकस से, और उसके बाद फिर मैं इन्हें बनाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ना कुछ मसाले डाल लिए हैं। मैंने इसमें हल्दी, मिर्च और धनिया, पिसा हुआ धनिया वो ऐड कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस हम ये बना रहे हैं। इसमें मैंने ना थोड़ा ऑयल डाला है, और अब मैं इसमें गर्म हो गया है तो जीरा डाल दूँगी। देखिए जीरा चटक गया है, अब इसमें प्याज डालेंगे, और मैं इसमें नमक ऐड करना भूल गई थी, मैंने इसमें नमक ऐड किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं, और इस तरीके से अपने कद्दूकस से मैं उन्हें घिस रही हूँ। और इधर देखिए, मेरी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर दूँगी। और इसके बाद ये मसाला टमाटर के साथ। देखिए फ्रेंड्स, लहसुन जो है इसमें ऐड हो गया है। ये देखिए, इसमें मैं ना थोड़ा हींग पाउडर डाल दूँगा, ये मैं डालना भूल गई थी। और ये मेरा पेस्ट, फ्रेंड्स देखिए, कुछ हमारे घर पे ना कुछ लोग खाना भी खाएंगे, रोटियां बनेंगी उनके लिए, तो हमने ना थोड़ी सी दाल रखी थी, दाल से रोटियां बन जाएंगी। आटा मैश कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा लगने वाला है बस, फिर हम कुछ रोटियां सेक देंगे और कुछ हमारी सेवई खाई जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा लग के तैयार हो गया है, और उधर हमारा मसाला जो है वो भुन रहा है। हमने ना गैस स्लो कर दी है, अब ये अच्छे से भुन के तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने ना बाज़ार से थोड़ा सा हरा धनिया भी लिया था, अब इसकी हम ना चटनी बनाएंगे, क्योंकि नमकीन जगहों के साथ ना चटनी और दही बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमने सेवई बनाई थी, नमकीन सेवई, और उसके साथ है हरे धनिया की चटनी। ये देखिए, और साथ में है देखिए दही जमाई थी हमने, कितनी अच्छी दही बनी है। देखिए फ्रेंड्स, हम तो घर पे ही दही बना लेते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और ये ना फ़ायदा भी देती है।
तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे साथ खाइए खाना। ये देखिए दही और हरे धनिए की चटनी साथ में और नमकीन जवे। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी खाइए।